अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये रेसिपी उस केक की जैसे हम बोलते हैं टी केक या स्पंज केक, बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही स्पंजी होता है। इसमें मैंने कोई वनीला एसेंस ऐड नहीं करे हैं। इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को एक साथ ऐड कर अलग अलग ऐड करें। बस सिंपल सारे इंग्रेडिएंट को एक साथ मिलाना है आपने, इसको बीट करना है, अवन में रखना है। ये सारे लिखे हुए हैं सामने, बहुत ही इजी प्रोसेस से मैंने बनाया है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसको बनाने का, और बहुत जल्दी ये तैयार भी हो जाता है। बस सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जब इसको हम बीट करेंगे तो इसमें सिर्फ हमें आधा कप हल्का सा गर्म दूध डालना है बीट करते वक्त। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये इसका क्रंची लेयर आई है। मैंने शुगर बीट इसलिए नहीं की थी ताकि मुझे क्रंच चाहिए था इसके ऊपर, और कितना अच्छा सा ये लुक आया है इसका।